हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको गर्भ में लड़का होने का मात्र एक लक्षण बताएंगे, जो कि आपके घर में जो चीज़ें अवेलेबल हैं, जो डेली में आप यूज़ करते हैं, आपको उसी चीज़ से हम बताने वाले हैं, यानी कि धूप बत्ती और अगरबत्ती से बताने वाले हैं, जो कि आप पूजा के टाइम यूज़ करती हैं। बहुत ही सही और सटीक लक्षण हैं ये दोस्तों। 99% चांस होते हैं इससे बेटा होने के। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं इस लक्षण के बारे में। लेकिन चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर साइड में बेल आइकन बटन को प्रेस करें मेरी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों, होता क्या है, जब भी आप माँ बनती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, तो आपको एक उत्सुकता रहती है, जिज्ञासा रहती है जानने की। तो वहीं आपके साथ साथ आपके परिवार वालों की भी जिज्ञासा बनी रहती है। तो दोस्तों, ऐसा ही एक लक्षण हम आपको बताने वाले हैं, जिससे आप जिज्ञासा और उत्सुकता को कम कर सकते हैं। आइए दोस्तों, जान लेते हैं इस लक्षण के बारे में। होता क्या है, जब भी आप प्रेग्नेंट होती हैं, कंसीव करती हैं, तो आपकी बॉडी में काफ़ी सारे जो चेंजेस होते हैं वो होते रहते हैं, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है और उसमें अलग अलग ही लक्षण दिखाई देते हैं। तो कोई भी जो लक्षण होता है वो 100% सही नहीं होता, लेकिन 99% चांस उसके होते हैं। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं इस लक्षण के बारे में। अगर आप शाम को पूजा करती हैं, धूप बत्ती जलाती हैं, अगरबत्ती जलाती हैं, आप पूजा पहले भी करती होंगी, तो उसमें से अगर आपको पहले अच्छी लगती थी वो चीज़, और अब जब आप पूजा करती हैं कंसीव करने के बाद, प्रेग्नेंट होने के बाद, अब आपको स्मेल सी आती है और उसका जो धुआँ है बर्दाश्त नहीं होता आपको। खुशबू जो अगरबत्ती में और धूप बत्ती में बहुत ज़्यादा होती है, और किसी किसी को ये बर्दाश्त नहीं होता है दोस्तों, नॉर्मल भी नहीं होता है। लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम अगर ये धुआँ जो है अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरी गंध आती है उसमें से, या आप मुंह फेर लेते हो, या बाहर चले जाते हो, या फिर जलाते ही नहीं हो इस डर की वजह से कि हमें वो धुआँ बर्दाश्त नहीं होता, तो दोस्तों ऐसा माना जाता है ये बेबी बॉय होने की निशानी होती है। लड़का होने के टाइम पर दोस्तों ये जो धूप बत्ती और अगरबत्ती जो होती है, इनकी खुशबू बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और बर्दाश्त भी नहीं होती है, तो इसलिए जलाती ही नहीं है कई लेडीज़ें। दोस्तों, मैं अपनी बात करूँ तो मेरे बेबी बॉय के टाइम पर भी मुझे इसकी जो सुगंध थी धूप बत्ती अगरबत्ती की, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी और बहुत गंध आती थी इसमें से, और अपना मुँह जो कि मैं फेस कवर कर लेती थी अपना इस तरीके से। मेरे बेबी बॉय के टाइम पर मेरे साथ भी ये हुआ था। दोस्तों, आपके साथ ये कितना सही साबित होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। ये बेबी बॉय होने की निशानी मानी जाती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखा करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपनी फैमिली में, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि औरों तक ये नॉलेज पहुंच सके और भी इसका लाभ उठा सकें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।